लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नवारी साड़ी पहने हुए क्यों दिखाया है? लक्ष्मी को नवारी साड़ी क्यों दिखाई जाती है? ये मराठी में नवारी क्या होता है? हैं? हैं? नवारी? नौ मीटर की? हाँ। लक्ष्मी नारायण का जो तामझाम है वो लंबा चौड़ा दिखाया जाता है, तो उनकी साड़ी भी छोटी होगी कि बड़ी होगी? है, बड़ी होगी। साड़ी ज्ञान मार्ग में किसको कहा जाता है? है, ज्ञान मार्ग में साड़ी माना क्या? शरीर रूपी वस्त्र। जो लक्ष्मी का शरीर रूपी वस्त्र है वो सबसे जास्ती लंबा होना चाहिए या नाटा होना चाहिए? अफ्रीकन्स की तरह लंबा ही होना चाहिए। क्यों? कितने जन्म लेती है? पूरे 84 जन्म लेती है। उससे जास्ती कोई और स्त्री है जो जास्ती जन्म लेती हो? नहीं, पूरे 84 जन्म तो कैसे लेगी? तो जिसके पूरे 84 जन्म है वो पूरी 84 साड़ियां लेती है। उसके मुकाबले औरों की साड़ियां तो छोटी होंगी या बड़ी होंगी? छोटी होंगी। और नाम ये है नवारी, नव माने तो नौ, नौ में तो सारी दुनिया आ जाती है। क्या नौ रत्न है ना, तो नौ के अंदर सारी दुनिया समाई हुई है। दुनिया में नौ ही धर्म है जो भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं उनमें ही धारणा अच्छी होगी या औरों में धारणा अच्छी होगी? जो दसवां है वो तो धारणा ही नहीं करता, वो तो है ही अधर्मी। और लक्ष्मी अधर्मी कैसे हो सकती? इसलिए नौ प्रकार की साड़ियां गाई हुई हैं, दसवां धर्म उसे छू भी नहीं सकता। वो तो दुनिया का सबसे जास्ती विभिचारी धर्म है। जो नौ धर्म हैं, उनमें कुछ न कुछ पवित्रता की धारणा नंबरवार है जरूर। तो जो नौ प्रकार की पवित्रता की धारणा है जिसे कहते हैं नौधा भक्ति, वो नौ प्रकार की अभिविचारी भक्ति की यादगार महाराष्ट्र में नवारी साड़ी का नाम पड़ा है।